लग जाएं तो लोग तो सवाल करेंगे ही, क्या भगवान भरोसे हैं पुलिस वाले, क्या मन्नत मांग रहे हैं भगवान बदमाशों से बचाओ, क्राइम कम करवाओ, आखिर किस थाने में हुई है पूजा? देखिए, भगवान सुन लो पुकार, बदमाशों से बचाओ, क्राइम कम करवाओ, भगवान भरोसे पुलिस वाले। तेलीबांदा थाना में पूजा पाठ, 15 दिन 2 कत्ल गोलियों का राज। नहीं नहीं, किसी मंदिर में नहीं है आप, ये तो थाना है जिस थाने पर लगता है। पुलिस वाले कह रहे हैं, हे भगवान हमारी पुकार सुन लो, बदमाशों से बचाओ, क्राइम कम करवाओ। पहले थाने पर जल छिड़का था, उसके बाद नारियल फोड़ा गया। क्या किसी मन्नत का नारियल है ये, या फिर ये मन्नत मांगी गई है कि हे भगवान ये बदमाश कब बाज आएंगे, हम कब चैन की सांस लेंगे। रायपुर के तेलीबांदा थाना है ये, जिस थाने की चौखट पर पुलिस वाले ना तो रौब दिखा रहे हैं, ना ही बदमाशों के होश उड़ा रहे हैं, बल्कि वर्दी वाले पूजा पाठ में मग्न हैं। अब पूजा करना गुनाह थोड़ी है, ये पुलिस वाले कह रहे हैं। पुलिस वाले तो थाने में पूजा करने से ही इनकार कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अब जिस थाने में पूजा हो रही है, उस थाना इलाके में करीब 15-16 दिन से जो बड़े बड़े अपराध हुए हैं, उनके बारे में भी सुनिए। तेलीबांदा थाना इलाका का मरीन ड्राइव जो चाकूबाजों और बदमाशों की पहली पसंद बन गई है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ हो रही वारदात बयां कर रही है। मरीन ड्राइव पर ही बेखौफ बदमाशों ने एक कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। बदमाशों ने 50 रुपए के लिए अंबिकापुर के रहने वाले कर्मचारी को मौत के घाट उतार दिया था और मोबाइल लूटकर भाग गए थे। ये सिर्फ एक केस नहीं, इससे पहले मरीन ड्राइव पर ही एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद यानी करीब 15 दिन में कत्ल की 2 वारदातें हुई। अब तक थाना इलाके में गोलियों का राज पुलिस वाले नहीं पता कर पाए हैं। नाले में बच्चों को असल्ट राइफल की गोलियां दिखाई दी थी। जुलाई महीने में अमन साहू गैंग ने कोल कारोबारी के ऑफिस में फायर किया था। वारदात की ये कहानी बयां कर रही है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं, जिन्हें पुलिस वालों का डर ही नहीं है। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।